हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? तो आज की हमारी वीडियो, चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी और टॉपिक का नाम क्या है? टेंशन इन कूलिंग वायर स्ट्रेस बिटवीन टू रिजिड क्लैम्प। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, क्या है चैप्टर का नाम? टेंशन इन कूलिंग वायर स्ट्रेस बिटवीन टू रिजिड क्लैम्प्स। यही आज का हमारा टॉपिक है, जिस पर हम क्या करेंगे, गहन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, डेरिवेशंस, फॉर्मूले, सब चीज़ हम देखेंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले, यदि जो भी वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें, और करने के बाद क्या करना है, बेल आइकन को भी दबा देना है, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग को क्या करना है, मिलता जाए। तो दो दृढ़ क्लैंपों के बीच कैसे तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न तनाव हो जाता है। ठीक है, तो इसी का है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग फ्लिक्स फॉर क्लास 11 एंड चैप्टर नेम इलास्टिसिटी। ओके, ये तो टॉपिक क्या है हमारा, कि टेंशन कूलिंग दो दृढ़ क्लैंपों को ठंडा करने में जो फर्क। ठीक है, तो चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी है। मान लो हम क्या करते हैं, किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L लेते हैं। मान लो कोई वायर है, कोई वायर इसकी इनिशियल लेंथ कितना है, L है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, L है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। इस वायर को क्या कर दें हम, कोई भी रिजिड सपोर्ट से हम क्या किए, कस दिए हैं। ठीक है, दृढ़ क्लैंप से कस दिए हैं। अब एक चीज़ बताओ, जब पहले के ज़माने में बैलगाड़ी होता था, बैलगाड़ी समझते हैं ना, चक्के में हम क्या वो चढ़ाते थे, लोहे का पट्टी, तो कैसे चढ़ाएंगे, पहले उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करने से एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और जैसे ही उसको हम चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद छोड़ देते हैं, तो ठंडा होकर जकड़ लेता है। ठीक, माने क्या होता है, ये ठंडा होने पर संकुचित होता है, ठंडा होने पर उसमें क्या होगा, संकुचित होगा वो, है ना। तो इसी तरह हम क्या है, इसी का टॉपिक का हमारा इसी बेस पर है। जैसे गर्मियों में देखोगे कोई भी तार है, लंबाई बढ़ जाती है, और ठंड में क्या होता है, सिकुड़ जाती है, इसे रेल पटरियों की भी जगह भी छोड़ा जाता है। तो यही है हमारा टॉपिक, कि ठंडा करने पर क्या होगा, संकुचन होगा। तो क्लैंपों द्वारा, जो क्लैंप है जिसमें तार को कसे हैं, तार पर एक तनाव बल लगाएगा। ठीक, तो तार द्वारा क्लैंपों पर आरोपित बल किया जाएगा। क्लियर, तो माना कि हम तार के ताप में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी कर रहे हैं, है ना। माना कि कोई तार है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 डिग्री सेल्सियस की कमी कर रहे हैं, स्मॉल टी, तो इसकी लंबाई में कितना हो जाएगा, एल की कमी होगी। मान लो कि तार में हम 3 डिग्री सेल्सियस की क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, तो उसका लंबाई क्या होगा, स्मॉल एल, है ना, कि कमी होती है। अब हमने तार का रेखीय प्रसार गुणांक, तार का रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा करते हैं, अल्फा, तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है, जो टॉपिक था हमारा, उस फॉर्मूले को अप्लाइड करेंगे, क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई में, तो तापक्रम में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ में तो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो महले का ये है कि जब हम तार को गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, तो तार संकुचित होगी, क्लैंपों द्वारा ताव पर, तार पर एक तनाव बल लगाया जाएगा, जो क्लैंप है जिसको हम कसे हैं, तार पर एक क्या का टेंशन, है ना, फोर्स अप्लाइड किया जाएगा। तो तार द्वारा क्लैंपर पर जो बल अर्पित किया जाएगा, जिससे तार क्या हो जाएगी, इसकी मान लो तार का टेम्परेचर में हम क्या करें, कमी कर रहे हैं, तो लेंथ इन कम, तो लेट वाई बी द यंग मॉडुलस, वाई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ द मेल्टेड ऑफ वायर एंड अल्फा बी द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए प्रश्न, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड एल वी द डिक्रीज इन लेंथ, है ना, टेम्परेचर कम करेंगे तो लेंथ कम ही आ जाएगी। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स ऑन 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तार में हम कितना डिग्री टेम्परेचर कम कर रहे हैं, 3 डिग्री सेल्सियस, तो लेंथ क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है एल में। लेट द टेम्परेचर फॉल सिंस 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा फार्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो है ना, क्या है अल्फा, क्या है अभी बोला था, लीनियर एक्सपेंशन एंड एल विद द डिक्रीज ऑफ लेंथ, तो चेंज इन लेंथ, लंबाई में कमी है, अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर, है ना, जो चेंज इन टेम्परेचर, ये हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, अल्फा लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, एल, हम इसको एल ले लेते हैं, और इनिशियल लेंथ कितना एल, और टेम्परेचर टी डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस लिखने की आपको जरूरत है, टी चल हो गया, ठीक है, देखिए क्लियर, कोई डाउट, अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू हम लिख देंगे एल बाई एल टी, तो अल्फा बाय टी इज इक्वल टू एल बाई एल, ठीक है, ये अल्फा टी हो गया। अब हमको मालूम है, वी नो दैट स्ट्रेन, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई एल होता है ना, क्या रख देंगे, तो अल्फा बाई टी इज इक्वल टू स्ट्रेन, एक होता स्ट्रेन, एक होता स्ट्रेस, एक प्रतिबल विकृति, है ना, लंबाई परिवर्तन बटे। तो आज जब इसको हम मालूम है कि यंग मॉडुलस, वी नो दैट यंग मॉडुलस, ये हम निकाले थे, यंग मॉडुलस क्या निकाले थे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अब यहाँ पर हमको स्ट्रेन आया है, अब इसी में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमको, स्ट्रेस इक्वल टू टू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू हम निकाला है अल्फा बाई टी, पुट कर सकते हैं अल्फा टी, अरे अल्फा टी, ये सॉरी अल्फा इंटू टी होगा, ठीक है, ये टी को चलेगा अल्फा टी स्ट्रेन, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना, वाई इंटू अल्फा टी, ये हमको निकल गया स्ट्रेस, क्या निकल गया, स्ट्रेस। अब हमको ये भी पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए, स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए, तो अब हम निकालेंगे एफ इक्वल टू, माने कि एफ की वैल्यू को निकाल देंगे, एफ इक्वल टू गामा अल्फा टी इंटू, ये हो गया हमको, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए अल्फा टी, वे एफ इज द टेंशन प्रोड्यूस इन द वायर, ठीक है, यही है दो क्लैंपों को जब हम क्या कर रहे हैं, कसे तार को ठंडा करने में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, टेंशन उत्पन्न हो रहा है, उसी का वैल्यूज है, क्लियर, कोई डाउट, यहाँ पर टेंशन में कूलिंग वायर स्ट्रेस ऑफ बिलो बिटवीन टू, यही टेंशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर। तो अब अगला टॉपिक हमारा है कि सरल उपकरण, देखो डायग्राम तो मैं नहीं बताऊंगा, अगला टॉपिक क्या है, सरल उपकरण से यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात करना, हेडिंग डाल दीजिए, और आपकी कॉपी में जो बुक दी में जो दिया हुआ है डायग्राम, उस डायग्राम के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या है हमारा टॉपिक, सरल के उपकरण से यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना करना है, क्या करना है, सरल के उपकरण से किसी भी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक की डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है, क्या अगला टॉपिक है हमारा, सरल उपकरण से, तो इसका भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक सेम ऐसे ही निकलेगा, अगला टॉपिक क्या है, सरल के उपकरण की सहायता से किसी भी पदार्थ का, ये प्रैक्टिकल है, इसका डायग्राम जो है बहुत लंबा है तो उसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने बुक में से देख लीजिएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा आपकी स्क्रीन के सामने,
तो डिटरमिनेशन ऑफ वाई इट मीन्स यंग मॉडल्स बाय सेल्स ऑपरेटर्स प्रिंसिपल। सेल क्यूबकरण से किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक की गणना करना। अब इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे, सिद्धांत। मान लो कोई वायर लेते हैं, ये एक वायर ले लिए, इस वायर का डायमीटर डी होगा तो रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर होगा ना, और इसकी टोटल लेंथ हम यहाँ से हाथ लेते हैं एल, ठीक है, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ। अब मास इसका एम हो जाएगा, मास। अब इस वायर को सस्पेंडेड एट इट्स फ्री एंड, इस वायर को हम क्या करेंगे, किसी मुक्त जगह से हम सस्पेंडर में लटकाएंगे, एंड देन लेट द लेंथ ऑफ द वायर अमाउंट बाय, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट कितना, ओरिजिनल लेंथ कितना था, मनीषियल लेंथ कैपिटल एल। अब इसको इसी वायर पर किसी वाट लगाते हैं, सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं, तो इसकी लेंथ में कितनी इंक्रीज होती, स्मॉल एल, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एफ बाई ए, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई यहाँ ही लिख देते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए, ये तो मालूम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब हम मालूम है कि तार पर हम कोई भार लटकाएंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी, और A कितना होगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी, और M इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड जी द ग्रेविटी एंड A इज द पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर नीचे क्या होगा, सर्कल रहता है, तो पुट कर देंगे लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस इक्वल टू एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिंपल है डेरिवेशन, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो गया ना। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, है ना, ये अपन शुरू से पढ़ते हैं। तो यंग मॉडुलस से फार्मूला में रख देंगे, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यहाँ पर लिखा था मैं कहीं पर, ये स्ट्रेस अपॉन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन एल अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एम जी अपॉन पाई जी, लिख रहा हूँ एम जी को, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई एल, या एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर है, ये यंग मॉडुलस का फार्मूला निकलेगा। अब सरल के उपकरण से हम निकालेंगे इसका, ये हमारा डेरिवेशन फार्मूला प्रिंसिपल हो गया। अब उपकरण का जो वर्णन होगा, अब एम एल आर एल का मान ज्ञात होगा तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप अपनी अपनी बुक को खोल लीजिए, है ना, और बुक में क्या दिया है पढ़ते जाइए और उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही हम क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले हिंदी में बोल दूंगा फिर इंग्लिश में बोल दूंगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है टॉपिक, बोलते जाएंगे करते जाएंगे। अभी तक हमारी वीडियो कितनी 13 मिनट की बनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही धातु के, एक ही मेटल के बने हुए दो तार ले लेते हैं, ठीक है, एक ही धातु के बने हुए दो समान तार, पहले इसको मैं हिंदी में इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा, है ना, सेम मेटल के, आप लोग लिख भी सकते हैं, दो तार हम लेते हैं ए और बी, ठीक है, एक ही धातु से बने हुए दो तार हम लेते हैं, कौन सा, ए और बी, ठीक है, और उसको हम किसी रिजिड सपोर्ट से लटका देते हैं, क्या लेते हैं, एक ही धातु से बने हुए दो तार ले लेंगे सेम मटेरियल्स का, और किसको हम किसी रिजिड सपोर्ट से लटका देते हैं, कोई डाउट नहीं ना, ए और बी, तार ए तार बी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल तार, पहला जो हिंदी में समझ लीजिएगा, ए को हम बोलते हैं प्रायोगिक तार, प्रैक्टिकल, और बी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वायर,
ठीक है, या फिर सहायक तार या प्रामाणिक तार कुछ ही बोल सकते हैं। क्या बोला मैं, दो तार लेते हैं जिसका नाम ए बी दिए हैं और सोनों क्या सेम मटेरियल के बने होते हैं, दोनों को किसी रिजिड सपोर्ट से दृढ़ आधार से लटका देते हैं। पहला प्रायोगिक तार होगा, दूसरा प्रामाणिक तार या ऑक्सिलरी वायर है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? डायग्राम को आप लोग देखते रहिएगा। अब सहायक तार से, ये जिसको ऑक्सिलरी तार से तुलना करके हम क्या बोले, जो ऑक्सिलरी तार है, दो तार है ना, तुलना करके हम प्रायोगिक तार की लंबाई में जो इंक्रीजिंग होगा, वृद्धि होगा उसका, ठीक है। क्या बोला मैं, जो दो तार लेते हैं ना, एक है प्रैक्टिकल तार, दूसरा है ऑक्सिलरी वायर, तो ऑक्सिलरी वायर से हम क्या कंपेरिजन करें किसका, प्रैक्टिकल वायर का, और उसमें कितनी लेंथ में इंक्रीज हुई है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। अब हम जो प्रैक्टिकल तार और प्रामाणिक तार दोनों लिए हैं ना, है ना, तो दोनों धातु के, देख रहे हो डायग्राम, दोनों तार के निचले सिरे पर, दोनों तार के निचले सिरे पर मेटल का बना हुआ है के नीचे हुए एक में, दोनों तार जो होता है ना उसके नीचे एक मेटल का बना हुआ फ्रेम लगा होता है जिसका नाम हम दे दे रहे हैं जियोरेच। दोनों जो प्रैक्टिकल तार और प्रामाणिक तार और जिसको ऑक्सिलरी वायर, दोनों के नीचे हम क्या करते हैं, एक फ्रेम लगा होता है जी और एच, ठीक है। प्रामाणिक तार माने जी और एच होता है कि नीचे भार लटकाने के लिए, ठीक है। आप डायग्राम में अपने बुक में देखिए, प्रत्येक फ्रेम जो होता है ना जी एच के नीचे भार लटकाने के लिए एक एक हुक लगा दिए हैं, हुक जैसे कुछ फंसाते हैं ना, ऐसे करके हुक लगा देते हैं दोनों, माने फ्रेम लगा देते हैं जी और एच, फ्रेम के नीचे एक एक क्या करते हैं, भार लटकाने के लिए हुक, किस में लटकाएंगे उसको हुक लगाते हैं, ठीक है। अब जो सहायक तार है आप ऑक्सिलरी वायर है उसके नीचे क्या एक पलड़ा लटका देते हैं, है ना, सहायक तार और आगे तार दोनों के नीचे हुक लगा है, हुक के नीचे हम क्या करते हैं, सहायक तार के फ्रेम के नीचे जो सहायक तार है, जो प्रामाणिक तार है उसके नीचे एक वो लगाते हैं, वेट और भार टाइप का लगाते हैं जिसको डब्लू बोलते हैं, हम डब्लू से वेट करेंगे, है ना, लगाते हैं। और दूसरा जो होता है प्रैक्टिकल तार जो होता है उसके नीचे एक पलड़ा लटका देते हैं जिस पर हम क्या करते हैं, बाट रख सकते हैं, जैसे तराजू का पलड़ा होता है ना, प्रैक्टिकल तार और ऑक्सिलरी वायर, ऑक्सिलरी वायर के नीचे क्या हम भार लटका देते हैं और जो प्रैक्टिकल वायर था उसके नीचे एक पलड़ा लगाते हैं, ठीक है। उस पलड़े से हम क्या करते हैं, जितना भार लगा रहे हैं उसको हम देखते हैं, ओके। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में लिखते जाइए, क्या लिखेंगे, चल लिखिए, टू वायर्स ए एंड बी द सेम मटेरियल लेंथ एंड एरिया, टू वायर ए एंड बी, क्या लिखोगे, टू वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल्स, ठीक है, क्या लिखोगे, जल्दी से लिखते चलो, लिख नहीं रहा समझ लो, टू वायर्स ए एंड बी आर सेम मटेरियल्स, है ना, लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर सस्पेंडेड फ्रॉम सेम रिजिड सपोर्ट, ठीक है, सेम रिजिड सपोर्ट, ठीक है। ए इज द क्या होगा, ए इज द जो पहला वायर है, ए उसका नाम क्या देते हैं, ए हम भी देते हैं, ए इज द प्रैक्टिकल वायर, ठीक है, एंड बी इज द ऑक्सिलरी वायर, वायर बी ए क्या है प्रैक्टिकल वायर, बी क्या है ऑक्सिलरी वायर, वायर बी चेंज, हमें बताया था जैसे हम, ठीक है, वायर बी जो होता है उसके लेंथ में चेंज करके हम उसकी हेल्प की सहायता से हम क्या कर प्रैक्टिकल वायर में जो जितनी भी इंक्रीज हुई है लेंथ उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एंड बी द वायर वायर विद द ऑक्सिलरी वायर बी एंड द चेंज इन द सस्पेंडर वायर इज द डिटरमाइंड, ठीक है, एंड द वायर सस्पेंडर मेटालिक फ्रेम्स, एक एक मेटालिक फ्रेम लगा रहता है, बताया था ना जी और एच, एक जी में किसता प्रैक्टिकल तार में, एच कितना है ऑक्सिलरी वायर में, ठीक है, इज द डिटरमाइंड, एट इज द प्रैक्टिकल, और एक एक हुक लगे रहते हैं, एक एक हुक लगे रहते हैं ना, वायर इज द डिटरमाइंड एट द न्यू ऑलवेज सस्पेंड फ्रॉम मेटल फ्रेम्स एंड ऑफ इच फ्रेम हुक्स अटैच, ठीक है, हुक्स अटैच होते हैं और उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक वेट लटकाते हैं और एक क्या लगाते हैं अपन, सस्पेंडिंग वेट विद द हुक इन द कनेक्टेड टू आर बी द फिक्स्ड वेट, फिक्स्ड वेट, वेट फिक्स रहता है किसमें, जो ऑक्सिलरी वायर है, एंड जी द फ्रेम हैंगर ऑफ पी आई, और दूसरा वायर जो होता है ना, दूसरा सस्पेंड प्रैक्टिकल है उसके नीचे हम क्या करते हैं, ए हैंगर ऑफ पैन पी द सस्पेंडर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, बोलिए ना,
एट द लोअर एंड ऑफ द पिच फ्रेम हुक्स आर प्रोवाइडेड बाय सस्पेंडिंग वेट विद द हुक इन द फ्रेम कनेक्टेड टू वायर बी एंड फिक्स वेट एंड द हुक कनेक्टेड टू फ्रेम जी द एक्सपेरिमेंटल वायर ए लॉन्गर और पेन इज सस्पेंड ऑन दिस पेन डिफरेंट वेट आर प्लेस टू मेजर द एलोंगेशन ऑफ वायर. ठीक है, क्लियर. तो ये हमारा प्रैक्टिकल्स है. अब आप देखते हैं आगे का इसका जो वर्णन देते हैं. अब देखिए, आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि उनके बीच एक स्प्रिट लेवल होता है. दोनों जो क्लैंप होता है ना, तार होता है जो रेक्टेंगल पीस है, तो उसके बीच में एक स्प्रिट लेवल होता है. ठीक है, अब दोनों के बीच में एक स्प्रिट लेवल होगा. उस स्प्रिट लेवल की सहायता से एक सिरा फ्रेम एच में कब्जे की सहायता करता है, तो दूसरा सिरा फ्रेम जी में माइक्रोवेव पेन सी के नोक पर टिका रहता है. देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में ये तार है ना, दोनों के बीच में एक स्प्रिट लेवल रहता है. ठीक है, तो इसका जो प्रैक्टिकल तार है उसमें एक स्प्रिट लेवल लगा रहता, एक सी होता है, चकती होती है, उसमें एक पैमाना लगा रहता है, वृत्ति परिधि पर घूमते रहते हैं सर्कुलर टेक पर. और उसका दूसरा सिरा स्प्रिट लेवल का क्या होता है, ये एच से कनेक्टेड रहता है. क्लियर, कनेक्टेड रहता है. अब हम दूसरा सिरा जो बताया फ्रेम जी में माइक्रोमीटर पे सी की नोक पर टिका रहता है, और इस सिरे को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं. अब जो पेंच है, एक सर्कुलर डिस्क लग जाती है. देखो, बहुत सारे एच हैं, पेंच के नीचे एक सर्कुलर डिस्क लग जाती है वृत्ति चकती, और ये क्या होती है, चार समान भागों में ऐसे करके बटी रहती है वृत्ति चकती है ना, और इसे हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, वृत्ति पैमाना. और वृत्ति पैमाने के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल स्केल है, प्रायोगिक पैमाना या ऊर्ध्वाधर पैमाना है, इस प्रायोगिक तार के फ्रेम में कसा रहता है. तो ये इसका डिटेल्स हो गया. ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में नहीं आया, चलिए फिर से इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, बता देते हैं. तो ये प्रैक्टिकल्स है हमारा, प्रैक्टिकल तार वैद दोनों के नीचे हम क्या करते हैं, एक के नीचे पड़ रहा है, के नीचे पेन लटकाते हैं, और ये फिक्स्ड वेट होता है डब्लू किसके, ऑक्सिलरी वायर में, और दूसरा जो पल रहा होता है पेन पी, उसमें हम क्या करते हैं, बाट लगाने के लिए हम पेन लगा देते हैं. अब एक स्प्रिट लेवल बताया मैं ना, दोनों तार से जिसको फ्रेम को लटका दिए हैं, दोनों के बीच में एक स्प्रिट लेवल होता है. स्प्रिट लेवल एल इज द प्लेस बिटवीन द फ्रेम, वन एंड ऑफ द स्प्रिट लेवल इज हैंग्ड इन टू द फ्रेम एच, जिसका एक सिरा क्या है, जो ऑक्सिलरी वायर है उससे अटैच रहता है, वाइल द अदर एंड ऑफ सपोर्टेड द टिप ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू सी, एक माइक्रोमीटर स्क्रू के साथ अटैच है इन द फ्रेम ए जी, जो मेरा प्रैक्टिकल तार जो होता है उसके साथ एक फ्रेम लगा है तो उसमें रहता है. जो एक स्प्रिट लेवल होता है उसका दो सिरा का बता रहे हैं, पहला सिरा जो ऑक्सिलरी वायर है उससे कसा रहता है, दूसरा सिरा जो होता है सर्कुलर डिस्क से कसा रहता है, माइक्रोमीटर स्क्रू बोलते हैं, सी नाम देते हैं. सर्कुलर स्केल इज जो सर्कुलर स्केल है जिसको वृत्ति भार बोलते हैं, इसको फेरेंस इन द डिस्क वी हैव सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड इन द सूटेबल नंबर ऑफ डिवीजन, चार भागों में बटा रहता है, डिवीजन होता है. द लेनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्क्रू कैन बी रीड इन द वर्टिकल स्टेट एस, वर्टिकल स्टेट है, एंड द फ्रेम जी कनेक्टेड टू द एक्सपेरिमेंटल वायर. ठीक है, अब इसका विधि क्या करेंगे, ये तो हमने बता दिया आप टेस्ट का डिटेल्स है ना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश में सुन लो, हिंदी में समझा देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमूव ऑफ टेस्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऐठन दूर करते हैं. ऐठन दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम आधा आधे किलोग्राम के बाट चढ़ाएंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमूव द ट्विस्ट ऑफ द बॉथ द वायर फिक्स्ड लोड डब्ल्यू इज सस्पेंडेड है ना एट द लोअर एंड ऑफ ऑक्सिलरी वायर बी, अ नेट बी लोड इन द बी लोड एंड अनलोड, मैं उठाते चढ़ाते निकालते नेट, नेक्स्ट बी लोड एंड अनलोड द एक्सपेरिमेंट वायर ए एम पुटिंग 4.5 kg, 4.5 kg और आधा आधा किलोग्राम में तीन चार बार इसको लोड करते अपलोड चढ़ाते उतारते हैं, वेट इच ऑफ द 0.5 ऑन द पी. द प्रोसेस
इज रिपीटेड 3 or 4। इस प्रोसेस को हम 3 या 4 बार रिपीट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिए। द प्रोसेस रिपीटेड 3 or 4 times द रिमूव द ट्विस्ट ऑफ वायर ए, जो वायर ए का जो ऐंठन है वो दूर हो जाता है ट्विस्ट आर वायर में, एंड कंट्रोल्ड एक्सपेंशन इन एंसर। ठीक है, जो ये आधा आधा किलोग्राम के बाट जो टोटल 4.5 के बाट लगाते हैं और उठाते जाते हैं, तो क्या होता है इससे इसका ऐंठन दूर हो जाता है। तार में एक नियंत्रित रूप से नियंत्रित प्रसार, यानी कि लंबाई एकदम से नहीं बढ़ जाएगी, एकदम नियंत्रित प्रसार हो जाएगा। दिस मूव द ट्विस्ट ऑफ वायर ए इन द कंट्रोल एक्सपेंशन इज एन, नियंत्रित प्रसार होने लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक क्या था कि पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, अब माइक्रोमीटर पेंच को हम इतना घुमाते हैं, तो माइक्रोमीटर का पेंच हम इतना घुमाते हैं कि जो एयर बबुल हो वो क्या बीच में आ जाए। ठीक है, विदाउट पुटिंग एनी वेट ऑन द लॉन्गर द एयर बबल ऑफ स्प्रिट लेवल इज एडजस्ट है ना, मैं बोला ना घुमाते हैं एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर को, माइक्रोस्कोप इतना घुमाते हैं कि स्प्रिट लेवल जो होता है वायु कुबला बीच में आ जाए। एट दिस स्टेज वी नोट द रीडिंग ऑफ वर्टिकल एंड सर्कुलर, जो वृत्ति है और ऊर्ध्वाधर है दोनों स्केल को हम क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। अब माइक्रोमीटर के पेंच को हम इतना घुमाएंगे कि स्प्रिट लेवल में वायु का जो एयर बबल है मध्य में आ जाए और ऊर्ध्वाधर पैमाना हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर पैमाना को नेडिंग को नोट करते हैं। अब जो प्रायोगिक तार है ना, जो प्रैक्टिकल वायर है माने वायर ए, उसके नीचे हमें आधा किलोग्राम का एक बाट लटकाते हैं। देन ए वेट ऑफ 0.5, अब देन जो प्रैक्टिकल वायर है ए वायर भी लोग कहते हैं, उसमें आधा किलो का बाट लटकाते हैं। देन एट वेट ऑफ 0.5 kg सस्पेंडेड ऑन द हैंगर ड्यू टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ, जैसे लटकाएंगे तो लेंथ ड्यू टू इंक्रीज द वायर द स्प्रिट लेवल नो मोर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, जैसे हम उसको लटकाते हैं है ना, लटकाते हैं तो तार की लंबाई वृद्धि होने से पेंच की नोट नीचे जाती है, तो पेंच की नोट नीचे आ जाएगी और एयर बबल जो है ठीक बीच में नहीं रहता है। और अब हम फिर क्या करेंगे, माइक्रोमीटर पेंच को फिर इतना घुमाएंगे कि फिर से एयर बबल बीच में आ जाए। ठीक है, आधा किलोग्राम का बाट लटकाए तो फिर क्या हुआ, एयर बबल बीच में नहीं था, फिर हम माइक्रोमीटर के पेंच को फिर से घुमाते हैं, इतना शेर से घुमाते हैं कि एयर बबल सेंटर में आ जाए। ठीक है, अगेन द एयर बबुल स्प्रिट लेवल इन एडजस्टेड देन द रीडिंग ऑफ बोथ स्केल, दोनों स्केल को हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर दोनों को नोट करें। क्लियर, नाउ वी गो ऑन इंक्रीजिंग, नाउ वी गो ऑन इंक्रीजिंग है ना, तत्पश्चात कम से आधा आधा आगे के प्रोसेस 5वां नंबर 6वां नंबर होगा, हम क्या करेंगे आधा आधा किलो का बाट चाहते हैं और हर बार वायु का बुलबुल एयर बबल को बीच में लाते हैं और दोनों स्केल्स का रीडिंग्स को नोट करते हैं। हर बार हम क्या करते हैं आधा आधा किलो का वेट लटकाते हैं, फिर वो एयर बबल से डिस्प्लेस हो जाता है इधर, फिर हम एयर बबल का जो रीडिंग है उसको बीच में लाएंगे और फिर दोनों स्केल का कौन सर्कुलर और हॉरिजॉन्टल को दोनों वर्टिकल को दोनों को नोट कर लेंगे। नाउ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वेट ऑन द पैन, मैंने पढ़ रहा जो प्रैक्टिकल पैन इज द वेट ऑफ 0.5 या 1/2 kg एंड एवरी टाइम एडजस्ट द स्क्रू अप, मूव द बबल बैक टू द मिडिल एंड ईच टाइम रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर। ठीक है, तो हर बार हम आधा किलो के बाद चढ़ाते हैं उतारते हैं और नोट करते जाते हैं, हम एयर बबल को बीच में लाते हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग सफिशियंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हमको सफिशियंट मेजरमेंट हो जाता है रीडिंग ले लेते हैं, वी स्टार्ट अनलोडिंग अ वायर ऑर्डर बाय एडजस्टिंग द स्पीड लेवल द रीडिंग ऑफ वर्टिकल स्केल एंड सर्कुलर स्केल रिकॉर्डेड एवरेज अप टू रीडिंग। ठीक है, ऑफ्टन ईच वेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल द स्क्रू गेज द इनिशियल लेंथ एंड रेडियस ऑफ एक्सपेक्टिवली ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर इज डिटरमाइंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं प्रत्येक बार लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई में जो वृद्धि होती है उसका मास रेडियस ये सब को हम इस फार्मूला में रखकर हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ हमको, किसी को कोई डाउट हो तो, यही हमारा क्या है इसका सरल का ऑपरेशंस है ना। अब इसमें
इसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोग खुद गणना कर लेना, देख लेना। अब ग्राफिकल विधि है ना, ग्राफी विधि से गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, ये एक्स और ये वाई। एम को हम एक्स अक्ष पर लेते हैं और लंबाई में हुई वृद्धि को हम क्या करते हैं, एम को एक्स अक्ष पर और एल को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। एम क्या है मालूम है, बाट किलोग्राम। एक्स अक्ष पर और एल को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते तो हमको एक क्या मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है। जब हम लंबाई द्रव्यमान और लंबाई में लेकर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक ग्राफ एक सरल रेखा देता है। इस ग्राफ पर हम मान लो दो बिंदु ले लेते हैं ए और बी, और दोनों से ठीक है एम के समांतर और एल के समांतर जब एक ग्राफ खींचते हैं हम तो हमको इस टाइप का एक ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, ए बी सी मानते हैं। क्या बोला मैं, एम को एक्स अक्ष पर वाई को एल को आई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा मिलता है। अब इस ग्राफ पर टेक टू पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, ठीक है, ए से एक्स अक्ष के समांतर और बी से वाई अक्ष के समांतर की रेखा खींचते हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को सी पर काटती हैं। कोई डाउट, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, सी पर। तो अब देखो एम बाई एल, तो एम कितना है ए सी और एल कितना है बी सी। हम दो पॉइंट ले लिए ए बी, ए के समांतर रेखा हम खींचे जो कि एम के समांतर है ए सी, और वाई एच के समांतर माने स्मॉल एल के समांतर रेखा खींचे बी सी। तो ए सी बाई बी सी इक्वल टू कितना हो गया, एम बाई एल। ठीक है, अब सूत्र में हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे इस सूत्र में, देखिए यहाँ से जाते हैं जो मैंने निकाला है इस सूत्र में, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखेंगे एम बाई एल, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं तो बचेगा क्या, जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी एल बाई पाई स्क्वायर मैंने अलग अलग कर लिए ना, सॉरी वाई इक्वल टू एम बाई एल, तो एम बाई एल की जगह हम रख देंगे ए सी बाई बी सी। तो वाई जाएगा कितना अपन ए सी अपॉन बी सी इंटू जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हमको एक नया फार्मूला मिला। ठीक है, इस सूत्र के साथ ए सी बी सी जी एल और पाई के मान को रखकर हम गणना करें। ठीक है, ए सी बी सी जी एल पाई और आर का मान रख के हम यंग मॉडुलस यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कर लेते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, तो ये था हमारा सरल का उपकरण। इसमें कुछ सावधानियाँ हैं, सावधानियाँ यही है कि प्रायोगिक तार और प्रामाणिक तार को एक ही दृढ़ आधार से लटकाना चाहिए ताकि यदि प्रयोग समय आधार झुकता है सुबह दो, जो जैसे मैं बोला ना एक प्रैक्टिकल तार इसमें लटका लेते हैं और एक में ऑक्सिलरी वायर, दोनों को एक ही दृढ़ दें, यानी कि इसको अलग इसको अलग, यदि झुकेगा तो दोनों का रीडिंग सेम आ जाएगा, नहीं तो पता चला दोनों का अलग ले एक झुका और दूसरा वैसे ही है तो रीडिंग हमारा सेम नहीं आएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप, समझ में आया लगा क्या है इसमें, दोनों को सेम मटेरियल से लेना चाहिए। दूसरा क्या होगा, जैसे हम रीडिंग ले रहे हैं तो दोनों का ट्विस्टिंग ऐठन को दूर लेना चाहिए, रीडिंग लेने से पहले ऐठन दूर करना चाहिए। तीसरा क्या होता है, दोनों तार एक ही धातु गुणाकार भी समान होना चाहिए और ताकि प्रयोग समय ताप में परिवर्तन होता है तो दोनों, तो मैं क्या शुरू में हमने बोले थे दोनों तार एक ही मटेरियल के, एक कॉपर है एक एल्युमिनियम है, ऐसा नहीं एक ही तार। अगर मान लो इसका टेम्परेचर होता है बढ़ता है तो लेंथ में इंक्रीज होता है तो दोनों पर इफेक्ट समान ना हो। अलग अलग धातु के तार लेने से क्या होगा, दोनों के अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ अलग अलग बढ़ेगी तो हमको डिसिमिलरिटी आ जाएगा रीडिंग में, इसलिए दोनों धातु के तार एक ही तार मटेरियल के बना होना चाहिए, उसका शेप आकार भी होना चाहिए सेम। यदि हम प्रयोग के समय ताप में परिवर्तन हो जाए तो दोनों इसका प्रभाव दोनों तारों पर समान होते हैं। अच्छा, जब हम भार लटकाते हैं तो प्रत्यास्थता लिमिट ऑफ इधर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंतर्गत ही भार लटकाना चाहिए, यानी कि बहुत भार लटका दिए
तो स्थायी रूप से उसमें क्या हो गया, विकृति हो जाए। क्लियर। पलड़े पर बात साधारण पकना चाहता है छठ, माने जो पलड़ा है ना, प्रैक्टिकल तार का जो पलड़ा है पी पेन, तो उसमें धीरे धीरे रखना है, यानी कि फट से रख दिए हिल गया वो, तो उसको सावधानी से धीरे धीरे रखना चाहिए। अब पलड़े भार चमारते समय उतारते समय कुछ देर रुक कर रीडिंग लेना चाहिए, है ना। मान लो हमें पलड़े पर भार चढ़ाए उतारे, एकदम तुरंत रीडिंग नहीं लेना चाहिए। मान भार चढ़ा रहे हैं तो कुछ सेकंड रुक जाए, 30 सेकंड, माल उतार रहे हैं तो इससे प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव जो होता है ना, उससे जो हानि होती है उससे बच जाते हैं, है ना। और तीसरा एक और चीज़ सुन लो कि स्पिरिट लेवल जो दोनों जो फ्रेम होता है बीच में होता है ना, तो जब हम भार चढ़ाते हैं या भार उतारते हैं तो दोनों जो स्पिरिट लेवल को बीच में लाना चाहिए, बीच में आए तब रीडिंगना चाहिए। ऐसे रीडिंग लेंगे बीच में नहीं आएगा तो क्या होगा, सही नहीं होगा। क्लियर। तो ये हमारा था कौन सा सरल का उपकरण, तो लगभग आज का जो है थोड़ा बहुत टॉपिक बचा होगा ये हुक्स ला को। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, ये देखो ये जो हम इसके बीच ग्राफ खींचते हैं, एम को एक्स एक्स पर, एल को वाई एक्स पर लेते हैं ग्राफ खींचते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मिलता है, दो पॉइंट लिए, ए के समांतर हम लिए ए सी और बी के समांतर हम लिए बी सी, है ना। तो जब इनको हम एम बाई एल की जगह में ए सी बाई बी सी रखे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान रखे हैं, तो इससे क्या प्रूफ होता है आप लोगों को, इससे हुक्स लॉ कैसे प्रूफ होगा। तो एम और एल के बीच जो ग्राफ खींचा है कि एम और एल के बीच जब ग्राफ खींचते हैं एक सरल रेखा मिलता है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितना भार लटकाते हैं उतनी लंबाई वृद्धि होती है, जो कि प्रत्यास्थता का सॉरी हुक्स के नियम को क्या करता है, टोटली प्रूव करता है। क्लियर। तो आज की वीडियो हमारी 37-38 मिनट की बन गई, कोई दिक्कत की नहीं है बात है। तो ये था हमारा सरल उपकरण, ऑपरेटर्स आप लोग घर में बना लेना है, बुक में देखना है, रफली हम ऐसा देखते हैं कि इस टाइप का ऑपरेटर्स बनता है। ये रिजिड सपोर्ट में हम दो तार लटकाते हैं ना, ये ऐसा, ये ए तार ये बी तार, इसमें हम एक एक ठो फ्रेम लगा देते हैं, ये ऐसा टाइप का फ्रेम लगा देते हैं, इसको जी और एच नाम देते हैं, है ना, ये जी और ए एच, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हुक लगाते थे, एक हुक लगाते हैं, यहाँ पर एक स्थाई वेट लगाते हैं, और यहाँ पर एक हम पलड़ा लगाते हैं, पलड़ा टाइप का पेन, ठीक है, और यहाँ पर हम सर्कुलर डिस्क होता है उसके साथ क्या होता है, यहाँ पर एक स्पीड लेवल होता है ये। तो इस प्रकार का जो डायग्राम था, इस डायग्राम को बोर्ड में बनाना होता वो मैंने डिफ़िकल्ट जा रहा था, टाइम लगता, वेस्टिंग होता, यदि आप लोग बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं डायग्राम बना के बोर्ड में उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बस थोड़ी सी, जब भी आप प्रैक्टिकल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, डायग्राम को बना के देखें कि धातु के तार जो एक ही मटेरियल के होना चाहिए, अलग मटेरियल का नहीं होना चाहिए, भार चढ़ाते समय उतारते समय धीरे से उतारना चाहिए, झटके के साथ नहीं उतारना चाहिए, स्पीड लेवल को देख लेना चाहिए बीच में है कि नहीं, बीच में नहीं है तो उसके बाद रीड होने के बाद लेना चाहिए, और यदि हम बाट चढ़ाते हैं उतारते हैं तो कुछ समय लेना चाहिए, नहीं कि तुरंत बाट चढ़ाए रीडिंग ले लिए, तो आप लोगों के रीडिंग सही इसलिए नहीं आती कि आप लोग प्रिकॉशन नहीं रखते हैं। तो थोड़ा सा धीरे धीरे रीडिंग लेंगे, आराम से ले लेंगे, प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपका रीडिंग करेक्ट आएगा। अब इसके बाद ग्राफ खींच लेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलते प्रूफ करता है कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एम क्या है, वेट लगा रहे हैं तो लेंथ में इंक्रीज होती है, लंबाई में परिवर्तन होता है, समान परिवर्तन होता है, तो ये हुक लॉ को प्रूफ करता है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और यदि कुछ एक क्लास और मैं बता दूंगा जिसका निचोड़ होगा, उसके बाद हम एक क्लास और लेंगे, दो क्लास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पार्ट 5 हो गया आज जो, तो पार्ट 6 या 7 होगा इलास्टिसिटी का, और कोशिश करूँगा कि इसमें नीट आईटी जेई के जो रिलेटेड क्वेश्चन हो, किस टाइप के प्रॉब्लम हो, उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इसको स्किप ना करके शुरू से आखिर तक देखना है। और हाँ, जो मैं इसको डायग्राम को बोर्ड में नहीं बताया हूँ वो डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ही है, ठीक है, और जो डेरिवेशन बनाते हैं उस डेरिवेशन को अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के कोई भी डेरिवेशन सही तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ठीक है,
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जो नए आ रहे हैं उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।